खेत का क्षेत्रफल कितने प्रकार से जानते हैं, या खेत का क्षेत्रफल कितने प्रकार के नाप से निकालते हैं? खेत का क्षेत्रफल हम तीन प्रकार के नाप से जानते हैं और तीन प्रकार के नाप से निकालते हैं। अब तीन प्रकार का नाप कौन कौन सा नाप हो गया? तो तीन प्रकार का नाप हो गया आपका तीन प्रकार का नाप हो गया पहला ए, पहला नंबर देसी नाप, दूसरा नंबर अंग्रेजी नाप और तीसरा नंबर मैट्रिक नाप। देसी नाप हमारे पूर्वजों द्वारा अपने शारीरिक मापदंड के आधार पर बनाया गया और इसका मात्रक अंगुल, गिरहा, मुट्ठी, बित्ता, हाथ इत्यादि से बनाया गया। अब हम लकड़ी लिए, कोई भी लकड़ी लिए, उसको नाप किए हाथ से और हाथ से नाप करके जमीन नापना शुरू किए और वही है लकड़ी हो गया प्रचलन में। जहां के लोग जितने नापे लकड़ी को और उसको लकड़ी बनाए, बस वही जो है प्रचलन हो गया। अब उसी से खेत नापना शुरू किए। तो लगी, एक लगी लंबा, एक लगी चौड़ा, क्षेत्र जो हो गया एक धूर। इसी ढंग से जितना लंबा चौड़ा नापी हुआ उसके हिसाब से धूर बना। धूर का बीसवां हिस्सा धुरकी, और धुरकी का बीसवां हिस्सा फुरकी बनता है। तो इस तरह से लिखते क्या है, 20 फुरकी बराबर एक धुरकी, 20 धुरकी बराबर एक धूर, 20 धूर बराबर एक कट्ठा, 20 कट्ठा बराबर एक बीघा। तो देसी पैमाना में जो हम क्षेत्रफल जानते हैं वो जानते हैं फुरकी, धुरकी, धूर, कट्ठा और बीघा। और इसके तहत जो हम लंबाई लेते हैं, तो जैसे कि एक लगी की लंबाई हो गया आपका 16 कनमा और 20 लगी बराबर एक रस्सी होता है और 20 रस्सी बराबर एक कोस। पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कोस ही बोलते हैं, आज भी लोग कोस को, जो पुराने लोग हैं वो कोस जो है बोलते हैं, लेकिन वो कोस अब प्रचलन में नहीं के बराबर है। अंग्रेज के द्वारा जब अंग्रेज के द्वारा जो बनाया गया पैमाना वो हो गया अंग्रेजी पैमाना। इस पैमाना में सबसे छोटा इकाई सूता से आरंभ होता है, जैसे 8 सूता बराबर 1 इंच, 12 इंच बराबर 1 फीट, 3 फीट बराबर 1 गज। और इससे जो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग फीट, वर्ग गज और वर्ग कड़ी, तो कड़ी जो है ये गंटी, गंटी जरीब जो बनाए हैं गंटर नाम के व्यक्ति, जो कि 792 इंची का एक चेन बनाए, एक जरीब बनाए और उसमें 100 कड़ी जुड़ी रहती है, जिसमें कि एक कड़ी की लंबाई
7.92 इंच, एक करी की लंबाई 7.92 इंच की होती है। तो इसमें जो है 1000 वर्ग करी बराबर होता है 1 डिसमिल, और 2178, तो बोर्ड पर लिख देते हैं 2178 बटे 5 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल, और 242/5 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल। और जैसा कि आपको ये है 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमिल, और देसी पैमाना को का हाथ जो है फिक्स कर दिया कि ये जो है 18 इंच बराबर 1 हाथ माना गया है। इसके तहत जब हम लगी से नापते हैं तो लगी जो है जितना हाथ की हो, 4 हाथ की हो, 5 हाथ की हो, 6 हाथ की हो, या इससे अधिक हो, कम हो, तो इसका भी इसको सूत्र बना करके बैठा दिया गया है। तो जैसे 968/5 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल, यानी 1 डिसमिल का मान निकाला गया, और भिन्न भिन्न तरह से जैसे वर्ग फीट में 1 डिसमिल, वर्ग गज में 1 डिसमिल, और वर्ग कड़ी से 1 डिसमिल, और वर्ग हाथ से 1 डिसमिल का मनाए, और 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ हो गया। इस ढंग से इससे जो है हम लोग रकबा निकालते हैं दूसरे तरीका से, और इसका लंबाई में 80 जरीब बराबर होता है 1 मील। 80 जरीब बराबर 1 मील। तो दूरी तय करने में माइल का प्रयोग अंग्रेज आने के बाद शुरू हो गया, तो माइल का प्रयोग करते थे। अब तीसरा पैमाना, तीसरा पैमाना जो है ये आपका हो गया मैट्रिक पैमाना। यह पैमाना जो है कई देशों के वैज्ञानिक मिल करके बनाया है। कैसे? भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक के दूरी को नापकर उस मापांक से बनाया है, जिसका सबसे छोटा इकाई का नाम है मिलीमीटर। मिलीमीटर यानी उसको क्या बोलते हैं, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो इसको जो है 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, और 10 मीटर बराबर 1 डेका मीटर। इस ढंग से आप ऊपर से मिटा देते हैं, और 10
दस डेका डेका मीटर बराबर एक हेक्टर मीटर, दस हेक्टर मीटर बराबर एक किलो मीटर, और दस किलो मीटर बराबर एक मिलिया मीटर। तो आज हम जो किलोमीटर बोल रहे हैं, मीटर और किलोमीटर को समझ रहे हैं, और ये जो है पूरे विश्व के लोग आज इसको मान रहे हैं, इस नाप को। यदि हम यहां बोलते हैं मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, तो पूरे विश्व के लोग इस दूरी को समझ रहे हैं कि जो नाम बोलते हैं उसका क्या दूरी है, क्या माप है। लेकिन बीघा कट्ठा धूर यदि बोलते हैं तो हमारा एक प्रखंड के लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो कितने हाथ की लगी है, कितना बड़ा क्षेत्र है। और एकड़ जिसमें आज हम रजिस्ट्री जमीन करते हैं उसमें भी बीघा कट्ठा धूर देने से संतुष्ट नहीं होता है ना रैयत और ना हमारे प्राधिकारी, इससे जो है स्पष्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि अभी कहीं 720 का एक कट्ठा होता है, 720 वर्ग फीट का एक कट्ठा होता है, कहीं 1300 कुछ का वर्ग एक कट्ठा होता है, कहीं 1900 वर्ग फीट का एक कट्ठा होता है। इस तरह से ये संतोषजनक जो है नहीं है। तो इसके तहत जो है डिसमिल लिखा जाता है कि डिसमिल में जब खेत लिख देते हैं ये हो जाता है कि हाँ इतना डिसमिल बराबर इतना धूर इतना कट्ठा, क्योंकि वो लगी पर निर्भर करता है कि लगी की लंबाई क्या है। इसीलिए ये तीनों पैमाना के तहत और इससे जो निकालते हैं क्षेत्रफल वो वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग हेक्टोमीटर, वर्ग किलोमीटर और वर्ग पिरियामीटर। तो इस ढंग से 100 वर्ग मीटर बराबर एक एयर होता है, 100 एयर बराबर एक हेक्टेयर होता है। अब इसको तीनों पैमाना को एक दूसरे से मिलाते हैं, डिसिमल जैसे आहा एक हेक्टोमीटर बराबर 250 डिसिमल, यानी अढ़ाई एकड़ बराबर एक हेक्टेयर जमीन होता है लगभग। चूंकि प्राचीन भारत के कोई भी पैमाना मैट्रिक पैमाना से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, इसलिए लगभग बोलते हैं मैट्रिक पैमाना की तुलना में। फिर देसी पैमाना में जब आते हैं तो अंग्रेजी पैमाना से देसी पैमाना में और देसी पैमाना से अंग्रेजी पैमाना में सूत्र के द्वारा लगी के द्वारा बना करके और उसका उससे क्षेत्रफल जानते हैं, रकबा जानते हैं। धन्यवाद।